नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका का दौरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये दौरा कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिका दौरे के खास पलों को याद करते हुए खास ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक बहुत ही विशेष यूएस यात्रा का समापन हो, यहाँ मुझे भारत यूएस मित्रता को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में बातचीत करने और भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश के लिए, हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए हम मिलके काम करते रहेंगे। तो इस ट्वीट से ये पता चलता है कि कितना सफल रहा ये दौरा, कितना सम्मान मिला मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दोस्ती मिली। यही नहीं, इस यात्रा के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख समझौते हुए। मसलन, भारत और अमेरिका ने 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के लिए $3 अरब के सौदे पे हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि थल सेना को और भारतीय वायुसेना को 8-8 भूमि संस्करण वाले ड्रोन स्काई गार्जियन मिलेंगे। मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका के बीच जेट इंजन F-414 के लिए भी समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए, जो भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की वायुसेना के लिए इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ कि भारत ने दोस्ती और प्यार के साथ साथ और क्या हासिल किया है। ये भारत के लिए बहुत ही अहमियत वाला दौरा रहा है। आप देखिए, सम्मान मिल रहा है मोदी को, ऐसे हाथों हाथ ले रहे हैं वहाँ के लिए। ये संसद में है वहाँ, और इसका फायदा ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये हमारे देश का सम्मान है। तो आज ये जो वहाँ समझौते हुए हैं, हम इस पे बात करेंगे। जो सामरिक समझौते वहाँ हुए हैं अमेरिका में, इसके दोस्तों शाब्दिक रूप से आप सब जान रहे हैं कि हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन उसके मायने क्या है, उससे भारतीय सेना किस तरीके से पावरफुल होगी। तो मेरे आज के मेहमान हैं, आप साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, शांतनु रॉय जी, कर्नल शांतनु रॉय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू, नमस्ते फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। कर्नल शांतनु, सेना के हथियारों की बारीकियां जानते हैं, समझते हैं, और सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अभी भी लगातार निरंतर अध्ययनरत हैं। कर्नल शांतनु से जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कंप्लीट जो दौरा है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं। शांतनु जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी यूएस के दौरे से आज लौटेंगे, जो कि 3 दिन का दौरा था। ये पहला स्टेट विजिट है किसी भी प्रधानमंत्री का जो कि यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया है। जी और ये जो जो बाइडन है, जो यूएस प्रेसिडेंट, ये इनका तीसरा स्टेट विजिट कंडक्ट किया इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनमें से इंडिया के प्रधानमंत्री को होस्ट किया है, जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है। दैट जी मीन्स इसका मतलब ये है कि इंडिया को काफी ऊंचे नजरिया से या ऊंचे दर्जे पे यूएस अभी पोजीशन दे रहा है। इसके कुछ कारण ये है कि
भारत इकोनॉमिकली काफी ऊपर आ चुका है इस गवर्नमेंट के दौरान, तथा इवन डिफेंस में एवं साउथ ईस्ट एशिया या मैं कहूंगा एशियन रीजन में इज अ पावर टू रेकन, मे नॉट बी अ सुपर पावर बट इट इज अ सुपर पावर इन बिकमिंग। इकोनॉमिकली हम लोग काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डिफेंस में भी स्ट्रांग हो रहे हैं, लाइक इन द इंडो पैसिफिक वी हैव अ से, जैसे यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन इन अ फ्री मोड सो दैट ट्रेड कैन हैपन, ये इंडिया से जुड़ना चाहते हैं और एक फोरम जो क्रिएट किया है क्वाड, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, प्लस मिलिट्रीली हमारे जो मालाबार एक्सरसाइजेज हैं जो 2007 से स्टार्ट हुआ था और अभी तो ये काफी जोर पकड़ गया और इट इज अ एवरी ईयर हैपनिंग नेवल ड्रिल एक्सरसाइज जिसमें यूएस नेवी जापानीज नेवी और हमारे भारतीय नेवी के नौसेना काफी जोर शोर से भाग लेते हैं एंड इट इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। यूएस का हमसे जुड़ना या आई वुड से दोस्ती नहीं करना बट पार्टनरशिप करना जी इसलिए है क्योंकि चाइना जो कि जी पे जियांग के अंडर में ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, प्लस यूएस जैसे सुपर पावर को भी चैलेंज कर रहा है, तथा आपको पता है जो कोविड के दौरान जो पैंडेमिक हुआ था, एवरीबडी नोज इट्स अ नोन सीक्रेट इट ओरिजिनेटेड समवेयर इन चाइना, दो इंक्वायरीज व्हिच वर टू बी कंडक्टेड नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक थिंग्स व्हिच हैपेंड एंड ऑल आर पावर्स बाय इटसेल्फ सो वी कांट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर, so these were downplayed and then India had a major role to play during the COVID management. The COVID management mein vaccine ka jo discovery ya invention karke jo create hua hai, it was basically from Serum India Pune which was the first ones who created prototype and then it got distributed and we also were a major player in distributing this vaccine to third world countries and developing countries. Second, US ka humse partnership ya dosti karne ka ek reason hai because we are one of the biggest democracies of the world after US. Secondly, we are the fifth strongest economy of the world presently. And also we have defeated China, I will say, in population we are at par or we have just gone across. So these are major three reasons. And hamara US se partnership karne ka fayda ye hai that we will get to know a lot of technologies or transfer of technologies about space, cyber, even we are cooperating in the climate change arena. And thirdly, hamara ye fayda rahega because China and Pakistan, Pakistan to I will say lesser, but China has been a pinprick in our northern area, jaise ki Galwan mein aapko pata hai, plus Arunachal Pradesh. And China's military is a force to reckon with, though there will not be a repetition of 1962 in our case this time, but then help of US or the Western world is always a big asset. And major thing is our dependence of the military is on Russian hardware, जिससे हमको अभी तोड़ के निकलना है. जैसे मनविंदर जी ने बताया है, GE is going to have aircraft engines with Hindustan Aeronauticals. Then we are going to get the Sky Guardians. Then there are radars and other equipments which we are
trying out during these exercises and also looking for to buy from US. Then the Predator drones, which are also in the pipeline. So ye kuch mudde hai, that is the reason why there was a special banquet which was held for Modi ji, which is a very rare occasion for the US president to conduct such personal banquets for any head of state. So these are some of the reasons and some of the changes in the geopolitical arena that are going to happen. And then semiconductors again is one of the field, electronics. Mm-hmm. And I am very proud to say that majority of the software development is basically from our Indian boys. Like you all know, the CEO of Apple, the World Bank, Finance, Google are all basically Indians. So that is my take on this. मैं चाहूँगी जब मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कर्नल शांतनु जी, जो कि हथियारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो भारत और अमेरिका ने 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन के लिए भी सौदा किया है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को पता चलना चाहिए कि ये ड्रोन किस टाइप के हैं, व्हाट टाइप ऑफ ड्रोन दीज आर। ड्रोन्स जैसे कि है, आपको पता है, दे आर मोटे तौर पे सबको ड्रोन का वर्किंग पता होता है, लेकिन क्योंकि ये लेस्ट है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ, अपने दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ। बेसिकली सबको पता है कि ड्रोन क्या चीज है, बट इन दिस केस जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं, दे आर नॉट जस्ट टू गो अप, दे हैव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट which can laze and find out distance, laze and find out targets, which you can see ya dur baithe hue, jaise Suleimani ko drone ke dwara mara gaya tha, jo Iraqi general tha, people sitting in US have controlled and shot him. There have been attacks also in Afghanistan and other wars which have been carried out by means of drones. So these are basically equipments, because aaj the mode of warfare is not ki aapne aamne saamne ladai karna hai. Now war is of technologies. So this technology is basically done with communication and intelligence, and with AI coming in now, you have these kind of equipments which are a must for our army, and we need to upgrade. And US is one of the place where we can get the latest technology which will benefit us. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नौसेना को भी 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलने वाले हैं। तो ये जो सी गार्जियन ड्रोन है, दीज ड्रोन आर लाइक द सेम। कुड यू रिपीट मैडम? नौसेना को भी 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, ये कुछ खास तरीके के होंगे, किसी खास चीज से लेस होंगे, जरा इसके बारे में भी डिटेलिंग करिए ताकि दर्शकों को ये पता चल सके कि हम किन की बात सुन रहे हैं। ये जो 15 सी गार्जियंस मिलने वाले, सी गार्जियंस आर बेसिकली ड्रोन्स, और दे आर दे कैन बी सेंट आउट एंड रिमोटली कंट्रोल्ड फ्रॉम फार अवे। दे हैव बेसिकली रेकी कैपेबिलिटीज so that they can survey an area, या कोई अटैक जाने से पहले एरिया का अच्छी तरह minutest to the millimeter you can get live information of what is happening about the enemy installations or their dispositions. So दूर से बैठ के you can get information, you can plan your attack before sending in your troops. So basically these are to control the movement of the enemy ships, or also can go high up at a high altitude from where, without being detected by radars, can scan the area of the enemy and get their information in real time. मैं जो समझ पा रही हूँ कि ये मतलब
जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि ये रेकी करके आके लौट के पूरी रिपोर्ट देंगे, या हम बैठे बैठे ही पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं? मीन्स जैसे रेकी की जाती है, ये आपको लौट के नहीं रिपोर्ट देंगे, दे विल बेसिकली हाई लाइव रिपोर्टिंग होगा अबाउट द एनिमी, एंड आपको रिपोर्टिंग भी मिलेगा और साइमल्टेनियसली अटैक भी कर सकते हैं. सो इट इज कंटिन्यू, ये नहीं कि आपको डिटेल्स लेके फिर आप उसको प्रिपेयर करेंगे. जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपके ट्रुप्स आपके जहाज मूव करके अटैक कर सकते हैं. मींस ये ऑपरेट भी करेगा जो एक्शन होगा, मींस जो भी अटैक करना है या नहीं करना है, रेकी करेगा, देखेगा, अटैक करेगा. Yes, it will see attack and also give you an assessment of the damage of what is happening. Great. एक और चीज जानना चाहती हूँ आपसे. मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन F414 के संयुक्त निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE और HAL के बीच में भी समझौता हुआ है. इसको भी थोड़ा, इसका भी डिटेलिंग करिए कि ये जो इंजन है इनका निर्माण क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय वायुसेना की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट रहेगा. ये मैं बेसिकली बोलूंगा दिस इज अ मेजर लीप या एक बहुत बड़ा जंप है इन आवर मिलिट्री और सेल्फ इंटीग्रेशन वे. जी, अभी तक हम बेसिकली जो तेजस Mach 1 Mach 2 बना है इसमें इंजन हमारा नहीं था, इंजन हमने बाहर से मंगाया है. जबकि एक एयरक्राफ्ट में मेजर आइटम इज इंजन. सो ये इंजन अगर हम GE के साथ HAL कोलैबोरेट करके बनाए, सो वी विल बी गेटिंग दी technology from them, and this is a major knowledge base which we'll create to make engines, because making a aircraft engine is not a very easy thing, and till now we have really not been able to manufacture a engine which is fifth generation, because today the aircrafts like F-18 or Rafale or other aircrafts are all fifth generation or fifth generation plus. And Tejas is basically a fourth generation aircraft. To come into the arena of fighting a superior air war, because aaj ke yudh mein basically air warfare is dominating. Aapke agar hawai jahaz acche hain, long distance ja sakte hain, and they are very रिलायबल. जबकि हमारे जो मिग्स हैं अभी बूढ़े हो चुके हैं, लाइक MiG-21s आपको पता है काफी क्रैश हो रहे हैं, 29s आर आल्सो ओल्ड, Su-30s आर आल्सो ऑन द टू बी फेज्ड आउट, एंड Rafales आर न्यू बट देन दे आर एट प्रेजेंट नॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमको चाहिए. एंड द एयरफोर्स इज लुकिंग बेसिकली फॉर अ फिफ्थ जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट, एंड जी के जो HAL के साथ कोलैबोरेट करके अगर इंजन बना पाए तो तेजस या तेजस का जो भी आगे होगा, या वी आर लुकिंग टू मेक अ इंडिजिनाइज FFG दैट इज कॉल्ड अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसमें बहुत ही हेल्प होगा, एंड एयरफोर्स विल बेनिफिट वेरी मच फ्रॉम दिस. एंड जो उनका प्लान है बाई 2027 टू क्रिएट अ इंजन एंड गेट द टेक्नोलॉजी, it is a very ambitious target, but let's hope we are able to achieve it. Colonel साहब, टोटलिटी में अगर देखें तो इस दौरे से हमारी भारतीय सेना को, तीनों जो सेगमेंट है सेना के, उनको कितना बेनिफिट मिला बताइए. वैसे तो हमने चर्चा की है, लेकिन टोटलिटी में अगर देखें तो आपका किस नज़रिए से देखते हैं आप इस विजिट से? हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तक वी वर डिपेंडेंट ऑन रशियन हार्डवेयर. सेकेंडली
रशिया अभी यूक्रेन के साथ वॉर में है, देर आर लॉट ऑफ सैंक्शंस विच हैव बीन पुट ऑन रशिया बाय द वेस्टर्न और द एलाइड नेशंस, सो रशिया हैज बिकम बेसिकली वीक ऑल्सो मिलिट्री, बिकॉज जबकि एक साल से ऊपर युद्ध चल रहा है तो कोई भी देश का इकोनॉमी भी टूटने लगता है. इंडिया हैज प्लेड वेरी स्मार्ट बाय नॉट साइडिंग विथ आइदर द वेस्ट और विथ रशिया. यूएन में अपना वेटो भी नहीं यूज किया. सेकेंडली वी बॉट रशियन ऑयल एट वेरी लो प्राइजेस एंड वी हैव हेल्प द वेस्ट एंड ऑल्सो हेल्प आवर सेल्व्स बिकॉज वी केप्ट गेटिंग oil at very reduced rates from Russia. Secondly, our dependence on Russia will decrease for military items, and this will also get newer equipments which are more latest. One. Secondly, in case of any problem with China, US as an ally will not support China but will assist India, which is a major boost, because presently we cannot expect Russia to support us because Russia, China or Pakistan may be partnerships hone lage hai. Though we are not enemies of Russia, but Russia may not commit anything to us in case of any problem militarily with China. So this is a major boost by getting equipment and the US support for our defense or national security. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब मेरे शो के साथ जुड़ने के लिए. जो दर्शक आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपको कैसा लगा, आपको कर्नल शांतनु रॉय के बातचीत कैसी लगी, ये सब आप अपने जो टिप्पणी है मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए. और अपना प्यार मेरे चैनल के लिए इस तरीके से बनाए रखें. खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद.